क्या महाराष्ट्र की राजनीति फिर करवट बदलने वाली है? क्या महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ने का अंदेशा है? बीते कुछ दिनों से एनसीपी नेताओं के आ रहे बयान तमाम अंदेशों को एक तरह से जन्म देते हैं, और अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बयान ने इन अंदेशों को और बड़ा बना दिया है। अभी एकत्र आघाड़ी आहे, एकत्र काम करायची इच्छा आहे, पण इच्छा नेहमी पुरेशीच असते। जागांचं वाटतं, त्याच्यात काही इश्यू आहेत का नाही ते अजून केलंच नाही, ते कसं सांगता येईल? एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के इस बयान का क्या मतलब है? क्या वो इशारा कर रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी का वजूद संकट में पड़ सकता है? कांग्रेस इस सवाल का सीधा जवाब देने से बचती रही। वो क्यों इस तरह का वक्तव्य कल किया, अब उनकी बात वही समझे। पवार का ये बयान ऐसे समय में आया है जब शिवसेना नेता संजय राउत राज्य सरकार का डेथ वारंट निकलने की बात कर रहे हैं। सरकार टिकत नहीं, ये सरकार टिकेगी नहीं, इसका मृत्यु लेख लिखा जा चुका है, डेथ वारंट निकल चुका है, सिर्फ सही कौन और कब करेगा ये तय होना बाकी है। जवाब में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुश्ती प्रतियोगिता में पहलवानों के साथ अपना एक वीडियो ट्वीट कर संजय राउत का नाम लिए बिना उन पर हमला बोला। कहा, राज्य में इन दिनों राजनीतिक कुश्ती चालू है। जसं कुस्ती मध्ये डोपिंग आलं, काही लोक नशा करून कुस्ती खेळायला लागले म्हणून त्यांना बाद केलं। आमच्या राजकारणातही अलीकडच्या काळामध्ये सकाळी 9 वाजता काही लोक नशा करून कुस्ती खेळायचा प्रयत्न करतात, पण नशा केलेल्या पहलवानांना कुस्तीतनं बादच व्हावं लागतं। जे असली मातीचे पहलवान असतात तेच कुस्त्या जिंकतात। सुप्रीम कोर्ट शिवसेना के जिन 16 विधायकों पर फैसला सुनाने वाली है उनमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी हैं। अब वो शरद पवार की तारीफ कर रहे हैं। आदरणीय शरद पवार साहब ये बड़े अनुभवी नेता है, उनका जो वक्तव्य है ये महत्वपूर्ण है, और उसको हमेशा जो कहते हैं उसे उसमें गंभीर्य होता है, गंभीरता होती है। इतना ही मैं कहूँगा, जिनको जो सोचना है समझना है वो समझ। बीते दिनों सुप्रिया सुले ने 2 धमाकों की बात की थी, फिर अजीत पवार 40 विधायकों के साथ खड़े हो गए और प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे की तारीफ करने लगे। अब पवार का बयान क्या समझा जाए? शरद पवार महाविकास आघाड़ी के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन वही अगर विपक्षी एकता पर सवाल उठाएं तो महाविकास आघाड़ी का अस्तित्व खतरे में पड़ना लाजमी है। शरद पवार ने भी इस बात को समझ सफाई दी और कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है, महाविकास आघाड़ी एकजुट है। लेकिन तब तक बीजेपी और शिवसेना इस राजनीतिक कुश्ती में अपना दांव खेल चुके थे। मुंबई से कैमरामैन राजन दयालकर और प्रवीण रोहित के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया।